1980 में बैंक्स में स्ट्राइक हुए थे क्योंकि गवर्नमेंट बैंक्स में कंप्यूटर इंस्टॉल करने वाला था एंड इससे बहुत सारे लोगों की जॉब जाने वाली थी। लेकिन आज अगर आप देखते हैं तो बैंक का प्रोसेस जो है वो कंप्यूटर लाने के बाद बहुत ज़्यादा एफिशिएंट, बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो चुका है एंड कंप्यूटर लाने की वजह से बैंक ने और ज़्यादा लोगों को हायर कराया। मार्केट में ये चर्चा रहती है कि इज AI मेकिंग पीपल जॉबलेस, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर है नहीं, क्योंकि हमेशा टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज जॉब लूज करते हैं एंड दूसरी ओर बहुत सारे नए एम्प्लॉयज को जॉब भी मिलती है। 1980 में गोवा में जहां पर मैं रहता हूं बहुत ही ज्यादा कम ब्रांचेस थे एंड आज मैं देखता हूं बहुत सारे ब्रांचेस खुल चुके हैं एंड बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल चुकी है एंड ये ओनली पॉसिबल हुआ विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंप्यूटर्स। 1980 में अगर 100 एम्प्लॉयज की जरूरत एक बैंक को है तो आज सिर्फ 50 है, तो बैंक का बहुत सारा पैसा बच रहा है। तो उस बचे हुए पैसे के साथ बैंक क्या कर रहा है, वो और ब्रांचेस खोल रहा है और जब ब्रांचेस खोलेगा तब ऑटोमेटिकली और ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। इसलिए हमेशा ऐसा नहीं होता कि टेक्नोलॉजी लोगों के जॉब्स खाती है। शेयर करो।